सभी लोग अपने घर में दिया बाती अवश्य ही जलाते हैं। शाम होने के बाद घर के मंदिर में अवश्य ही दिया जगाया जाता है। वो इसीलिए जगाया जाता है जिससे उनके जीवन में जो दुख चल रहे हैं या जो परेशानी चल रही है वो समाप्त हो जाए और धन आकर्षण उनके जीवन में निश्चित ही होता रहे। लेकिन जाने अनजाने में काफी लोग ऐसी गलतियों को कर देते हैं जिससे उनके जीवन में धन आकर्षण तो नहीं हो पाता है, बल्कि जैसे दुख चल रहे होते हैं वे और भी ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं। घर में ग्रह क्लेश बनते चले जाते हैं जिससे बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आता है। तो सभी लोग अपने घर में दिया बाती तो अवश्य ही जलाते हैं, इसीलिए इन बातों का जानना और समझना बेहद आवश्यक है कि किस प्रकार दिया जलाना चाहिए मनोकामना पूर्ति के लिए, शत्रु मुक्ति के लिए, धन आकर्षण के लिए किस प्रकार अलग अलग विधि का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी अवश्य ही दबा दें जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जब भी शाम हो जाती है, सूरज ढल जाता है, तो हर घर में अवश्य ही घर के मंदिर में दिया अवश्य जलाना चाहिए, क्योंकि जिस घर में दिया नहीं जलाया जाता है उस घर में हमेशा ही ग्रह क्लेश बना रहता है, दुख और परेशानी और चिंताएँ लगातार ही बढ़ती चली जाती हैं, क्योंकि सूरज ढलते ही नकारात्मक ऊर्जाएं जो होती हैं वह प्रभाव में आने लग जाती हैं। और जिस घर के मंदिर में बिल्कुल भी दिया नहीं जलाया जाता है शाम के समय, उस घर में नकारात्मक ऊर्जाएं हावी होने लग जाती हैं। यही कारण है कि जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुख और परेशानी आने लग जाती है, एक के बाद एक कार्य बिगड़ने लग जाता है जिससे बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आता है। तो इस बात का तो अवश्य ही आपको ध्यान रखना है कि शाम के समय घर के मंदिर में एक दिया आपको अवश्य ही जलाना है। अब दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप अपनी मनोकामनाओं को बोलते हैं तो जब दिया जलाते हैं तो दिए की जो बाती है वो आपको अपनी ओर करके रखनी चाहिए, और जब दिया जला लें अपनी मनोकामना को बोल दें तो दिया पलट कर जो दिए की जो बाती है वह भगवान की ओर आपको कर देनी चाहिए। जिस भी भगवान को आप मानते हैं वहीं की ओर आपको दिए की बाती कर देनी चाहिए। ऐसा करने से शीघ्र ही मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वह दिया उन भगवान को समर्पित हो जाता है जिनकी तरफ आप दिए की बाती दीपक की लौ को करते हैं। अगर आपके जीवन में धन की बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है और लाख प्रयास और मेहनत के बावजूद भी आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अपने घर के मंदिर में उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो के सामने आपको दीपक को जलाना है। दीपक की जो लौ है वो उत्तर दिशा की ओर फेसिंग होनी चाहिए, और लक्ष्मी माता की जो फोटो है वो भी उत्तर दिशा में आपको रखनी है। घर का जो मंदिर होता है उसमें तीन दीवारें तो अवश्य ही बनाई जाती हैं, चौथी तरफ आप बैठकर पूजा करते हैं, तो घर के मंदिर की जो तीन दीवारें होती हैं इन्हें पूर्व, उत्तर और दक्षिण आप मानकर इसी प्रकार ये प्रयोग आपको करना है। घर का जो मंदिर होता है उसमें उत्तर दिशा की ओर आपको धन के देवताओं की यानी कि माता लक्ष्मी की, भगवान विष्णु की इस प्रकार फोटो आपको लगानी चाहिए और वहीं पर दिया आपको लगाकर रखना है। और अगर घर के मंदिर में आप दिया जलाकर उत्तर दिशा की ओर ना रख पाएं तो घर की जो कोई भी दीवार है वहीं पर उत्तर दिशा की ओर दीपक की लौ को करते हुए वहां पर आपको घी का दीपक जलाना है और उसमें पीले चावल हल्दी से रंग कर आपको डाल देने हैं। केवल इतना करने से दो गुना लाभ प्राप्त होने लग जाता है, धन आकर्षण शुरू हो जाता है। खास करके जिन लोगों का व्यवसाय या दुकान नहीं चलती है उनको ये प्रयोग अपने घर में अपनी दुकान में उत्तर दिशा की ओर अवश्य ही करना चाहिए। अब दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आपको शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, शत्रु आप पर बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं और बिल्कुल भी आपको जीने नहीं देते हैं, तो आपको केवल इतना करना है कि जो आपके घर की जो दक्षिण दिशा है वहाँ पर आपको सरसों के तेल का या काले तिल के तेल का दीपक आपको जलाना है और उसमें अपनी उम्र के अनुसार लौंग आपको डालनी है। जैसे कि 33 साल अगर आपकी उम्र है तो 3+3=6 होता है, अगर आपकी उम्र 45 साल है तो 4+5=9 होता है। इस प्रकार आपको अपनी उम्र के अनुसार लौंग उसमें डालनी है। ये रोज आपको करना है जब तक शत्रु आपसे दूर नहीं हो जाते हैं और आपको बिल्कुल छोड़ नहीं देते हैं। जब भी शत्रु आपको परेशान करते हैं तो घर की दक्षिण दिशा में इस प्रकार ये प्रयोग अवश्य ही शुरू कर देना चाहिए। ऐसा करने से शत्रु किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा पाते हैं। अब सबसे मुख्य बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप दिशाओं की तरफ यानी कि दिशा में दिया जलाकर रखते हैं, तो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि दिया जलाकर ऐसे ही जाने अनजाने में जहां पर दिया रखा जाता है वहीं पर रख देते हैं और फिर चले जाते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप उत्तर दिशा की ओर यानी कि उत्तर दिशा में दीपक जलाते हैं, दक्षिण दिशा में जलाते हैं, तो जो दीपक की लौ है उसी दिशा को फेसिंग होनी चाहिए, तभी उन प्रयोग का लाभ आपको मिल पाता है। ये खास बातें आपको अवश्य ही ध्यान रखनी है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा तरक्की हमेशा होती रहे,
धन आकर्षण होता रहे, घर में सुख और समृद्धि बढ़ती ही चली जाए, तो आपको ये करना है कि लगातार 11 दिन तक बहती हुई नदी में अगर आप दिए प्रवाहित करते हैं तो इससे सुख और समृद्धि बढ़ती चली जाती है। खास करके जो घर में कार्य करते हैं उनके कार्य में बहुत ही ज़्यादा प्रगति होने लग जाती है, सुख और समृद्धि बढ़ने लग जाती है। और अगर आपके घर के आसपास नदी बिल्कुल भी नहीं है तो आप एक प्रयोग ये कर सकते हैं कि कोई भी बर्तन लेकर उसमें पानी भरकर आप उसमें बहते हुए दिए रख सकते हैं, जिससे वो दिया उस पानी में तैर सके और जल भी सके। इस प्रकार घर के बिल्कुल बीचों बीच शाम के समय करके अगर आप रखते हैं तो इससे उस घर में सुख और समृद्धि बढ़ने लग जाती है। घर में जो कार्य कर रहे होते हैं उनके कार्य में बहुत ही ज़्यादा प्रगति होने लग जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा तरक्की करने लग जाते हैं। इससे धन आकर्षण दुगनी तेजी से होता है और उस घर में कभी भी धन धान्य की और धन की परेशानी नहीं होती है, जिस घर के बिल्कुल बीचों बीच में पानी के ऊपर दिया रखकर जलाया जाता है, क्योंकि इससे जल तत्व और अग्नि तत्व का संगम हो जाता है जो सुख और समृद्धि को बढ़ाता है। और ये प्रयोग आप स्वयं भी खुद करके देख सकते हैं कि जब भी आपका बहुत ज़्यादा मन उदास होता है या बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो कोई भी ऐसा बर्तन जिसमें पानी भर के रखा जा सके उसके ऊपर आप एक तैरते हुए दिए को रख दें और लगातार उस पानी को और दिए को देखते जाएं। ऐसा करने से तुरंत ही मन की जितनी भी परेशानी होती है वह पानी में समा जाती हैं और दिए की जो लो होती है उन सभी परेशानियों को जला देती है। और रोज़ शाम को अगर इस प्रकार दिया जलाकर पानी के ऊपर रखा जाता है तो इससे बहुत ही अधिक सुख और समृद्धि की प्राप्ति उस व्यक्ति के जीवन में और उस घर में अवश्य ही होती है। हर कोई अपने घर में रोजाना ही दीपक जलाता है, तो इसीलिए इन खास बातों को जानना बेहद आवश्यक है। इसीलिए जानकारी को अवश्य शेयर कर दें जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें और आपके गुड कर्माज बढ़ सकें। और अगर आपकी कोई और समस्याएं हैं तो उन्हें भी कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिख दें, जिससे आने वाले वीडियोस में उन समस्याओं के ऊपर बताया जाएगा। तो आज के लिए केवल इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।